आज की मीटिंग। जैसा कि मैंने तुमसे कल रात कहा था वैसा ही हुआ। 11 लोगों की मीटिंग में कोई भी एक आदमी किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सका, आखिर बात मुझ पर ही आके अटकी। तो बेंगलोर वाला प्लांट आपको ही हैंडल करना होगा। ऑब्वियसली मैं तो पहले ही कह रहा था कि मीटिंग बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता था कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर पर आएगी। अब सेठी बेंगलोर जाएगा, कम से कम हर महीने 10 दिन के लिए मुझे वहां रहना पड़ेगा। सो रहना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा, मैं भी साथ चलूंगी आपके। चाय की पत्ती बदल दी क्या तुमने? पिछले 25 बरस में कितनी बार ये सवाल कर चुके हो। अरे क्या ये जरूरी है कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब सवाल में ही दो? ओ, रॉनी, तुम ये ऑफिस के प्रॉब्लम्स ऑफिस में छोड़कर आया करो। When you come home, just relax, okay? Okay, I'm relaxed, absolutely relaxed. ये रिकी और नीनू नहीं नजर आ रहे? आते ही होंगे, साथ ही तो बजे हैं। अरे फिर अटक गया। अरे खुल जा मेरे बाप, खुल जा। कॉम्बिनेशन नंबर फिर भूल गए क्या? अरे नहीं भाई, ये डब्बा कभी कभी अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है, खुलता ही नहीं है। अरे खुल जा मेरे बाप, खुल जा। अभी इसे खोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ रमा। हेलो, यस, नहीं रिके अभी तक आया नहीं, एनी मैसेज? ओके, या बाय। हाँ, क्या बताना चाह रहे थे? एक मिनट, ये देखो। कौन है ये? मल्होत्रा का बेटा, अभी अभी जर्मनी से लौटा है इंजीनियरिंग पास करके। आज मल्होत्रा इसे अपने ऑफिस में लेकर आया था सबसे मिलवाने के लिए। और वो अपने साथ फोटो का भी ले आया था सबको बांटने के लिए। यू नो, मुझे कभी कभी शक होने लगता है कि तुम्हारे मुंह में सुभान है या कैची। पिछले 25 बरस में पता नहीं चला आपको। मल्होत्रा ने अपने बेटे को सबसे मिलवाया, ही इज माई सन विक्रम, ही इज माई सन विक्रम वगैरह वगैरह, लेकिन मैं अपने केबिन में ही बैठा हुआ। शॉर्ट हैंड में बात करो, मल्होत्रा उसे आपके केबिन में ले आए फिर? अरे यार, वो और उसकी बीवी हमारे यहाँ कई दफा खाने पर आ चुकी है और कई दफा अपनी नीनू से भी मिल चुके हैं। ही नोज अवर सोशल स्टैंडिंग। और नीनू अपनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और शादी की उम्र तक पहुंच चुकी है। पहले लोग लड़कियों की तस्वीर मंगवाया करते थे, लेकिन आजकल बाप अपने बेटे की तस्वीर जेब में लेकर घूमते हैं। Quite good looking and highly qualified also. लेकिन बेटी डीआरएस को कौन समझाएगा कि शादी कर लेनी चाहिए? शादी का नाम लो तो ऐसा हो जाती है जैसे किसी ने गाली दे दी। Hi dad, hi mom. Dad. Hello बेटे. Will you have some tea? What? चाय माँ, बाहर कितनी गर्मी है, मेरी हालत देख रही हो? Oh, nothing like a cool drink. Ice baby. Yeah. ये मुझे दे दो। Say goodbye. Who's this? किसका फोटो है? Alright. Looking. ये हमारे जीएम मल्होत्रा साहब का बेटा है, अभी अभी इंजीनियरिंग करके लौटा है। डैड फॉरगेट प्लीज। लेकिन पूरी बात तो सुन लो। मैं पूरी बात सुनाऊं? ये टिम्बक्टू या ज़ैंज़ीबार से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स करके आया है, ही इज हैंडसम, अच्छे घराने का है। मॉम कम ऑन, आई हैव हर्ड दिस। कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ शादी करनी होगी ना। मॉम हर बार तुम मुझसे यही बात कहती हो और हमेशा मैं तुमसे यही सवाल करती हूँ कि आखिर मुझे शादी करनी क्यों है? नीनू, अपनी ये फैमिली, अपना ये घर, प्यार मोहब्बत अपनापन देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा भी एक सुंदर संसार हो? इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा भी घर, मेरा भी संसार ऐसा ही होगा? क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो मुझे इस बात की गारंटी दे सकता है? बेटा, लाइफ इज अ गैम्बल। कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि अगले कदम का अंजाम क्या होगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि यह सोचकर इंसान आगे बढ़ना ही छोड़ दे। आजकल अगर औरत अपना कदम बढ़ाती है शादी के लिए, तो वो उसका आखिरी कदम होता है और उसके बाद उसके नसीब में सिर्फ बेड़ियां लिखी हैं। नॉनसेंस, तुम्हारी शादी कोई अनपढ़ या जाहिल से थोड़ी होगी जो तुम्हें गुलाम बना के रखे। मॉम प्लीज, वी हैव डिस्कस्ड दिस अ मिलियन टाइम्स, इस बात को छोड़िए ना।
You know my mind. Forget it. नीनू, इसकी वजह तो बता। वजह मैं बताता हूँ। वजह सिर्फ इतनी है कि आज तक कोई ऐसा लड़का, ऐसा आदमी या कूल गाय पैदा नहीं हुआ जो मेरी बहन के स्टैंडर्ड का। They all down market man, completely down market. रिकी, तुम हर बार इस मामले में बोलते हो। क्या तुम नीनू को दुल्हन बने हुए नहीं देखना चाहते? वक्त आएगा तो वो भी देख लूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा। अगर आपको इसे दुल्हन बनाने का इतना ही शौक है तो मैं कल ही किसी फिल्म कंपनी से अच्छी सी दुल्हन की ड्रेस ले आता हूँ और इसे पहना के पूरे घर में घुमाते रहते हैं। How's the idea? क्या बकवास कर रहे हो तुम? डैड, आप फिल्म बनाने की सोच रहे हैं क्या? क्या बक रहे हो तुम? फिर ये हीरो लोगों की फोटोग्राफ्स क्यों जमा कर रहे हैं भाई? अगर फिल्म बनाने की जरूरत है तो मैं कोई हीरो से कम तो हूं नहीं। एंड माय डेट्स आर अवेलेबल एंड टुमारो आई विल बी सेलेबल। डैडी, ओ गॉड, नीनू, नीनू, आई एम कमिंग। क्या होता जा रहा है इस शहर को? आजकल नीनू अंधेरे से इतना क्यों डरती है पता नहीं। याद है बचपन में उसके कमरे की लाइट ऑन होती तो उसे नींद नहीं आया करती थी। हाँ, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। अब कैसी है नीनू? She is better now. मैं तो उसके साथ रहना चाहता था लेकिन उसने कहा मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैं देखती हूँ। माँ, कल तुषार आने वाला है, याद है ना? हाँ याद है, उसका कमरा भी तैयार है, डोंट वरी। थैंक यू। कौन तुषार? तुषार अमेरिका में मिला था डैड, दोस्ती हो गई। कल शाम की फ्लाइट से आने वाला है, हमारे साथ यहीं रहेगा। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। ओके माय सन, गुड नाइट। गुड नाइट। तेरा देश तो अमेरिका है। चुप करना है, एक तो फ्लाइट ले, ऊपर से तेरी बकवास। मैं बाकी का सामान कार से बाद में निकाल लूंगा यार। दिस इज माय सिस्टर नीलम और ये है तुषार फ्रॉम यूएस ऑफ अमेरिका। हाय। हाय। हाँ चल बैठते ना यार, कम। तुम लोग कुछ खाओगे? नहीं जी, मैं तो खा के गया था, इससे पूछ लो। नो थैंक्स,
मैंने फ्लाइट में कुछ खा लिया था। I don't think I'll eat. तुषार, ये मेरी बहन है ना, मेरी माँ से भी बढ़कर है। अगर मैं रात में कभी बाहर चला जाता हूँ और देर हो जाती है, माँ तो जाके सो जाती है, पर ये मेरा इंतजार करती रहती है। She is fantastic. Wait, stop being such a filmy. ये फिल्मी माहौल बनाने में एक्सपर्ट है। कौन किसका इंतजार करता है? भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जल्दी जाना चाहिए। She must be waiting for me. Oh, Ricky, stop being filmy now. Come on. इसका बचपना अभी तक गया नहीं, let him enjoy himself. किसी तरह से अपना दिल बहला लेता है। He such a fraud ना, अभी इसके मन में आएगा तो गाड़ी लेके उड़ जाएगा, देखना। खबरदार, तुम खानदान की एक एक सीक्रेट धीरे धीरे करके खोल रही हो, इससे आगे मत कुछ कहना वरना मेरी बच्ची खुची इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। Shut up, Rex. अच्छा तुषार ये बता, स्टेज में क्या करते हो, पढ़ रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो? नहीं, पढ़ाई तो खत्म हो गई नीलम, अब नीनू। नीनू दैट्स गुड। अब मेरा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। नीनू, दिस गाय इज अ कंप्यूटर जीनियस, ही इज अ सुपर्ब गाय। कंप्यूटर्स के फंडे तो इसके दिमाग में भरे हुए हैं। कम ऑन Rex, क्या बताऊं, हम लोग न्यूयॉर्क में डिस्को में गए थे, याद है तुषार, और वहां का म्यूजिक सिस्टम फेल हो गया। कैन यू इमेजिन, एवरीबॉडी स्टैंडिंग देयर टू डांस, लाइट्स ऑन है पर देयर इज नो म्यूजिक। ये बंदा म्यूजिक रूम में गया और 5 मिनट में म्यूजिक चालू, 1 मिनट में इसने गलती पकड़ ली। He is a genius. तुम्हें म्यूजिक का शौक है? मुझे बिल्कुल नहीं। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक बजाओ तो भाई साहब पूछते हैं क्या शोर है। इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, दिस गाय इज अ कंप्लीट डोडो। डोंट टेल मी यू डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। बचपन से ही कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भूत सर पे इस तरह से सवार था कि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। इट्स सो फनी, इस जमाने में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें म्यूजिक का शौक ही नहीं। एक्चुअली इज अ वेरी बोरिंग पर्सन। ये तो अब देखिए, ये चीजें जरा किचन में रखना। कम ऑन यार। भैया दरअसल मैं इस घर में नौकर हूँ, मालिक और मालकिन मुझे प्यार से बेटा कहकर पुकार लेते हैं। इट्स माय ग्रेट लक, अदरवाइज। तुम बॉम्बे में सेटल होने वाले? पता नहीं, इस बार जरा इधर उधर देख लूं क्या चांसेस हैं, फिर सोचूंगा। या तुषार, मैं तेरा बाकी का लगेज ले आता हूँ और कार भी ठीक से पार्क कर देता हूँ। Yeah, I'll help you. No need. एक ही तो सूटकेस है और वैसे भी मैं इस घर का नौकर जो ठहरा। पूछना बेकार होगा कि तुम पियानो बजाते हो। तो तुम म्यूजिक के बारे में झूठ बोल रहे थे। मैं सच कह रहा हूं, मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर ये धुन? मुझे खुद नहीं मालूम, मैं पहली बार पियानो के पास। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का विश्वास करो।
चलो तुषार, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे। Your own personal suite with cable TV but no music system. Thank God. Music system पर याद आया, मेरे कमरे का सिस्टम गड़बड़ हो गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, चल के ठीक कर देना यार। अभी? No, do it whenever you feel like. No hassles. Ricky, लगता है तुषार थका हुआ है। Take him to his room. हाँ, why not? Come. आना यार, चल। Great food, mom. आंटी खाना बाकी बहुत अच्छा बनाती हैं। Thank you. रिकी बता रहा था कि तुम वापस इंडिया सेटल करना चाहते हो। सोच तो रहा हूँ अंकल, पूरे 2 सालों बाद अमेरिका से वापस लौटा हूँ। एक बार जरा खुद देख लो यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का क्या स्कोप है। Naturally, एक ही दिन में तो तुम वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं आ सकते। स्मोक? No thanks, I don't smoke. Hey, तुषार, चल मेरे कमरे का म्यूजिक सिस्टम ठीक कर दे। संगीत के बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल सुनी हो जाती है यार। नहीं तुषार, तुमसे मेरी प्रार्थना है, इसका म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल ठीक मत करना। Come on, Dad, what's your problem? तुषार, सुना था कि संगीत आत्मा को शांति देता है, लेकिन ये जो संगीत बजाता है ना, उससे आत्मा शरीर छोड़कर भागने लगती है और इस घर की दीवारें हिलने लगती है। Come on, Dad, just relax. नहीं तुषार, इसका म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल ठीक मत करना। Come on, Dad, be a sport. मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हर शाम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखूंगा, सेठी संगीत खजाना। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। कहाँ गए दोनों? रिकी के रूम में गए हैं, उस यंत्र को ठीक करने जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी और जिसने मुझे जवानी से पहले ही बूढ़ा बना दिया। अच्छा, यानी कि वो म्यूजिक सिस्टम ठीक करने गए हैं। तुषार अच्छा लड़का है। I like him. Well mannered, handsome. हाँ, मुझे जवानी के दिन याद दिलाता है। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको जवानी में देखा था, तो ये हवाई किसी और के आगे छोड़ना, समझी? What do you mean? आप रहने दो ना, मैं जो कुछ कहती हूँ वो समझो। तुषार और नीनू, रमा, तुमने अगर नीनू के सामने तुषार के साथ शादी का जिक्र भी किया ना, तो उस बेचारे को रात और रात ये घर छोड़कर होटल भागना पड़ेगा। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसी वैसी बातें करूंगी। अगर नीनू थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए तो वो अगर होना होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। तुम कोई अपनी तरफ से पैदा नहीं चलना, समझे? घर में जवान बच्चे हैं, मॉम कुछ तो शर्म करो। डैड, नीनू, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कल या परसों हमें बैंगलोर जाना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के प्लांट के ये इंचार्ज बन गए हैं। बेंगलोर में कोई हर महीने 10 दिन रहना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं हर वक्त इनके साथ नहीं जाऊंगी, सिर्फ इस टाइम इन्हें ज्यादा काम नहीं है इसलिए मैं जाऊंगी। ओके मॉम, सेकंड हनीमून। शट अप। एनीवे, गुड नाइट। बाय डैड, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या प्रॉब्लम है यार? यहाँ इस टीआर तक तो करंट आता है, उसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है। हम लोग ट्राई करें? नहीं, एक मिनट रुकना जरा, मैं फाइनली चेक कर लूँ। टेक योर टाइम। It's okay. Oh God, fuse गया।